तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप दोस्तों? आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी में एक एरर आ रहा है, या बोल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी की जो फोन्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसके बारे में मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सर्च करा, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये सैमसंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आप मेरा थंबनेल देख ही रहा होगा कि मैं जब भी मोबाइल को चार्ज पे लगा रहा हूँ तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। उसमें क्या बता रहा है कि आपकी यूएसबी पोर्ट में डस्ट आ गई है, या फिर कोई ड्राई चीज़ या बोल सकते हैं वाटर उसके अंदर आ गया है। बहुत सारी एक्टिविटी उसके साथ मैं करने वाला हूँ, जो कि मैं आपको बताऊँगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या इन फ्यूचर हो सकता है, उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, जो एरर आ रहा है वो इस तरीके से एरर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या एक वार्निंग सा बना आ रहा है, ऊपर अटेंशन था, नीचे यहाँ पर वाटर का आपको एरर दिख रहा होगा कि आपके यूएसबी पोर्ट में वाटर आ चुका है। ये कंटिन्यू मेरे पास मॉर्निंग से आ रहा है, या बोल सकते हैं कल से आ रहा है, और मोबाइल इसके बाद चालू नहीं हो पा रहा है। ना मोबाइल बैटरी चार्ज हो पा रही है, ना मोबाइल ऑन हो रहा है, और कंटिन्यू अभी वाइब्रेट भी हो रहा है। और अगर मैं इसको अभी चालू भी करना चाहूँ फोर्स फ्री, फ़ोन चालू तो हो जाएगा फोर्स फ्री, बट उसके बाद भी एरर आ जाएगा। जैसा कि मैं इसको यहाँ पर पावर की प्लस वॉल्यूम डाउन की को चालू कर दबा के रखूँगा तो मोबाइल यहाँ पर ऑन हो जाएगा, बट ऑन होते ही सेम एरर वहाँ पर आ जाएगा। बैटरी 0% पे रहेगी, मोबाइल वहाँ पर ऑन नहीं होने वाला। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की जो यूएसबी पोर्ट होती है ना, उसको आपको पेट्रोल से थोड़ा सा वॉश करके देखना है। पेट्रोल से वॉश करना है, थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो आपकी डिस्प्ले भी जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा उसको वहाँ से डाल के उसको चेक करना है। अगर वहाँ से आपके सोल्यूशन हो गया है, इसको ऑन हो जाए, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं, अनप्लग चार्जर इमीडिएटली, यू हैव डिटेक्टेड मॉइस्चर और फॉरेन मटेरियल इन योर चार्जिंग, और ये कंटिन्यू बंद हो जाता है। तो ये मेरे पास कल से ऐसा ही सेम सिचुएशन चल रही है और मोबाइल ऑन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आपको दो चार चीज़ें करके देखनी है। पहले तो ये जो यूएसबी पोर्ट है ना, आपको उसको पेट्रोल से वॉश कर लेना है। पेट्रोल लगा के आपको अपने कोई भी पुराना आपका ब्रश होगा, ब्रश से अच्छी तरीके से आप उसको वॉश कर लीजिए। अगर उसके बाद आप लगा के देखिए, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, कॉटन लेना है या रुई लेना है। कॉटन और रुई से आपको उसको अच्छे से अंदर से साफ करके देखना है। उसके बाद भी अगर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, क्या करना है, एक पिन लेना है, जो सुई होती है ना, सुई से अच्छे से आपको बारीकी से उसको यहाँ पर चार्ज करना है। यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको उसको अच्छे से वॉश करना है। कोई आपको उसमें डस्ट दिख रही हो, या कोई आपको कुछ अंदर कुछ दिख रहा हो, तो उसको पूरी तरह से क्लियर करना है, और उसके बाद फिर ट्राई करना है। उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, आपके घर में ड्रायर होगा, ड्रायर थोड़ा सा मारना है आपको, ऊपर नहीं मारना ड्रायर, नीचे की तरफ यहाँ पर यूं करके ड्रायर को मारना है। उसके बाद भी अगर ये ना ही हो तो फाइनली आप समझ लो कि आपके मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही वाटर चला गया है, या फिर कुछ और ही प्रॉब्लम इसमें आ गई है। तो आपको अब इसको सर्विस सेंटर पे ही ले जाना पड़ेगा, विदाउट सर्विस सेंटर वो सही नहीं होने वाला। मेरे साथ तो यही हुआ है, मैंने सारी सिचुएशन जो भी बताई आपको सब करके देख लिया, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। अब मैं इसको सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कि सर्विस सेंटर में क्या प्रॉब्लम आती है, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब आज की वीडियो का बनाने का मोटिव यही है कि अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन आ रही है तो जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई आप उसको ट्राई करके देखिए। अगर उससे सोल्यूशन नहीं आता है तो एट द एंड आपको उसको सर्विस सेंटर पे ही ले जाना है, और ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे आपको मिले। थैंक यू।